अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं जी? सब लोग ठीक ठाक हैं? तो आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। आज तक से मैं दोबारा आ रहा हूँ बड़े टाइम के बाद। वैसे ये मेरी रूटीन थी कि मैं सुबह जब भी जॉब पे जाता था तो स्टेयर केस के थ्रू जाना था, क्योंकि वैसे तो वॉक का इतना टाइम नहीं मिलता था, लेकिन ये कि इससे तकरीबन 264 स्टेज हैं जो मैं चढ़ के ऊपर जाता था और चढ़ के नीचे आदमी लोग तो नीचे आते। 8 बज चुके हैं, जो जो दिन करीब आ रहे हैं तो एक्साइटेड सा फील हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है क्योंकि अगस्त जो है वो गर्म तरीन मंथ है, हॉटेस्ट मंथ है। ये देखे बच्चे कैसे मेहनत कर, देखे ना कैसे मेहनत हो रही है। ऐसे कपड़ा नहीं मारता, ये रगड़ता रहता है, रगड़ता रहता है, रगड़ता रहता है। मेरी वो गाड़ी है, लेकिन मैं बस कभी कभार, नहीं तो बस वो जो सर्विस होती है वही इनाफ है। मुझे काफ़ी का टाइम हुआ जाता है, नाश्ते का टाइम हो गया। भाई मेरे साथ बन रहा है इंशाल्लाह एक दिन। ये भाई रैंडम हमारे साथ, पर भाई ये मंगाया और हमने स्पेशल जिसको कहते हैं कढ़ी पकौड़ा, आज चलेगा कढ़ी पकौड़ा। थोड़ा सा व्यू कराएंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपका दिल काट सकता है। तो भाई साहब 11:30 बजे हम नाश्ता कर रहे हैं, बाकी आप खुद देख लें कि कितनी अनथक मेहनत करते हैं ना खाना टाइम पे। ये परदेश की ज़िंदगी है और आप कहते हैं कि पैसे पैसे पैसे। कढ़ी पकौड़ा खा रहे हैं ये जी, देखें मियाँ जी का कढ़ी पकौड़ा आ गया। बहुत मज़े का होता है, बहुत ही मज़े का होता है। और ये जो शानी है ना, शानी अंजकार, इसकी वजह से जब ये अपने थके हुए हाथों से लेके आता है तो बस। और भाई ये भी हमारे महबूब भाई हैं, बहुत प्यारे भाई हैं। नाश्ते का राउंड तो ख़त्म हो गया जी। नाश्ता बहुत मज़े का था, टेस्टी था, लेकिन गर्मी में खाने का भी उतना मज़ा नहीं आता जितना सर्दी में खाने का मज़ा था। कढ़ी पकौड़ा था जी और साथ खुश्क पराठे और चाय, मज़ा आ गया। मियाँ जी का जो कढ़ी पराठा है वो ज़बरदस्त है। जिस दिन कढ़ी पराठा होता है उस दिन हम और कोई चीज़ भी नहीं खाते। पराठा खुश किया है क्योंकि पता है पेट जो है पहले इतना नहीं है तो ज़्यादा बढ़ना चाहिए, इसलिए। टाइम हो गए हैं 12 बज चुके हैं दिन के, सूरज बिल्कुल सर के ऊपर है और खूब गर्मी बरसा रहा है। टम्परेचर 45 डिग्री से के आसपास है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे गर्मी ज़्यादा है और टम्परेचर कम बता रहा है। शर्ट तो भाई साहब आज ब्रांड की पहनी है, आज नहीं बल्कि मैं पहनती ब्रांड की हूँ। उसने स्टार्ट कर दिया अपना, अच्छा तो ये जो लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, ये लेना भी एक बहुत ही महारत का काम है और बहुत ही मुश्किल काम है। जो इसका प्रोसेस है वो लेंथी है, बहुत ज्यादा सख्त कानून है। उसके बाद पास करना वो भी एक बड़ा मुश्किल काम है। पास करना तो चले वो तो ठीक है, वो तो किस्मत नसीब की बात है, लेकिन जब जो आपका प्रोसेस है लाइसेंस का, आप ये करें जी, वो करें जी, वो करें जी, ये करें जी, इस तरह के मतलब कि इतने ज्यादा उसमें चौचले इतने ज्यादा हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। हमारे टाइम इतना नहीं था भाई साहब, हमारे टाइम यही था कि बस जाएं, फाइल ओपन करवाएं, क्लासें होती थी, टेस्ट होता था, टेस्ट के बाद आपका फाइनल टेस्ट होता, दैट्स इट। टाइम गुजरता जा रहे हैं उसमें वो सख्ती कर रहे हैं, थोड़ा सा वो ऐड हो जाता है। फिर टाइम हो चुका है जी 6:02 और शाम हो गई है, टी टाइम मेरा गुजर चुका है। ऐसा मैंने GBR स्ट्रीट का, जिधर इस तरह की गाड़ियां जो हैं, ये नॉर्मल इस तरह की गाड़ियों की स्ट्रीट है, ये ऐसी गाड़ियां इधर होती हैं, स्पोर्ट्स कार्स जितनी भी हैं। कॉर्वेट है इसका नाम है जी, लेकिन बिल्कुल फरारी की तरह होती है, लेकिन फरारी नहीं है, कलर भी रेड उसको बड़ा सूट कर रहा है। ये इसका नया मॉडल है स्पेशली कराची में। ये देखिए हट्स बने हुए इधर कितने ज़बरदस्त, जैसे पाकिस्तान में वो छोटे छोटे वो बने होते हैं ठेले से, इस तरह के हट्स बने हुए हैं वॉक के ऊपर। शाम का टाइम है इधर, मोस्टली लोग वॉक के लिए
इधर आते हैं राइट साइड पे मेरे बीच है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह है, कमाल कर दिए इन्होंने बना के। ये इस तरह देखें, रेंट कार है, गाड़ियां सारी खड़ी हैं, फरारी खड़ी है, लैम्बर्गिनी पहले नंबर पे है, फिर फरारी है, फिर पीछे जी वैगन खड़ी है। ये जिस जो गाड़ी आगे आ गई हमारे बस, ये टूरिस्ट बस है, और ये बस रेड कलर की, ये तो पूरी दुनिया में ऐसे ही होती है भाई साहब, दुबई टूर जो है उसकी ये ऐसी बसेस होती हैं, आप बहुत से कंट्रीज में देखेंगे, आई थिंक सो पाकिस्तान में भी है और बहुत से कंट्रीज में है, आप यूरोप में बहुत देखते हैं इसको। फेस से लग रहा है ना कि तबीयत कुछ ठीक नहीं है, दुआ किया नहीं आपने, दुआ नहीं की ठीक होने की, तो मेरी तबीयत ठीक भी नहीं हुई, और शुक्र अल्लाह का बेहतर हूँ। कम बैग जी, शाम के बज चुके हैं 6:30, दिन का तो पता ही नहीं चला कैसे गुजर गए, तो इस तरह रात के 9 बज चुके हैं। मैं आहिस्ता इसलिए बोल रहा हूँ कि सोने का टाइम है, मेरे छुट्टी में तो अभी 2-3 घंटे बाकी हैं, छुट्टी मीन कि मैं अपनी मर्जी से काम स्टार्ट करता हूँ और अपनी मर्जी से ख़त्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूछने वाला कोई नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बिजनेस जो है, जो अपना काम है उसका एक अपना मज़ा है, जॉब जो है उसमें लिमिटेड सी मनी होती है जिसमें आपने गुजारा करना होता है, आप चाहें भी तो उसको नहीं बढ़ा सकते जब तक कंपनी या जिधर आप करते हैं वो ना बढ़ाएं। तो भाई साहब अपना काम वो है जिसमें आप जितनी मेहनत करें आप उतना फल कमा सकते हैं। अभी मैं हूँ सुबह 7 से तकरीबन रात 12-1 बजे तक काम करता हूँ, तो अपने काम में मेहनत बहुत है लेकिन उसमें बरकत भी बहुत है और उसमें पैसा भी बहुत है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको उसकी इस्ताद के मुताबिक उसको दे। हमारी हर बंदे के लिए दुआ है कि अल्लाह हर बंदे को अपना काम दे, अच्छा दे और अच्छा और अपना काम दो। तो जी आज का दिन कुछ यूं ही था, और सरप्राइज जो है वो हमेशा याद रखने हैं मेरे, जो मैंने आपको सरप्राइज देने हैं बहुत बड़े सरप्राइज हैं। एक तो पाकिस्तान जाने वाला है और कब जाना है ये आपको बताएंगे, और दूसरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं छोटे बड़े वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज मैं देख रहा था कि जो देखने वाले हैं वो 57% लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, आते हैं देख के चले जाते हैं। भाई साहब ये चोरी ना किया करें, बिस्मिल्लाह करें, आएं देखें हमारे व्लॉग को देखें, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कल फिर आपको देखने का दिल करे तो आपको ढूंढना पड़े ना पड़े, आपको बेल हो जाए कि आपको व्लॉग आ गया तो आप देख लें। मुझे पता चल जाता है कि कितने बंदे आए हैं और देख के चले गए हैं और कितने बंदे वो हैं जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया और वो देख रहे हैं। भाई साहब कैमरे की आंख आपको देख रही है, तो बने रहे हमारे साथ, इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब विक्की भाई को इजाज़त दें, मिलते हैं कल इंशाल्लाह, सी यू, अल्लाह हाफिज़।